30 दिनों के लिए 150 Mbps के इंटरनेट स्पीड के साथ ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट, इसके अलावा 4K सेट टॉप बॉक्स जिसके अंदर आपको 10 OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन पहले से दिए जाएंगे, साथ ही साथ वॉइस कॉलिंग जो कि आपको 30 दिनों तक अनलिमिटेड मिलने वाली है। इसके अलावा आपको जियो फाइबर के अंदर क्या प्लान्स लेके आए गए हैं और जियो फाइबर के प्लान के ऊपर GST अलग से देना है या उसके साथ इंक्लूडेड है, आपके लोकेशन पे जियो फाइबर कब तक आएगा और क्या प्रोसीजर है उसको लेके आने का। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इसमें कोई फेयर यूज पॉलिसी लगाया गया है, क्या कोई कैप है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बाकी लोगों के द्वारा भी पूछा जा रहा था, मैंने सोचा वीडियो के अंदर आपको सही तरीके से क्लियरली बहुत आसान तरीके से समझाया जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कीजिए अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आया। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री ऑफर के बारे में, जो कि आपको एक महीने के लिए चीजें मिल रही हैं, उसमें आपको 4K सेट टॉप बॉक्स के साथ अनलिमिटेड इंटरनेट स्पीड दिया जाता है। साथ ही साथ अगर एक महीने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको वापस कर सकते हो, बिना किसी क्वेश्चन के आपसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है कि इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं जिसके बारे में वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे, पहले आपको प्लान के बारे में बता दें। प्लान जो है जियो फाइबर का पिछले साल जब लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2019 को तो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि जियो फाइबर से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन जियो फाइबर ने प्लान सस्ते लॉन्च नहीं किए थे। पिछले साल लॉन्च के साथ 700 रुपए आपको पे करने होते थे अगर आपको 100 GB डेटा इस्तेमाल करना है, जो कि आपको 100 Mbps के स्पीड के साथ मिलता था। 50 GB का डेटा आपको अलग से दिया जाता था। वहीं पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं 400 GB डेटा तो आपको देना पड़ता था 850 रुपए के आसपास। लेकिन अभी उस प्लान के अंदर काफी बड़ा बदलाव किया गया है। आज जो जियो फाइबर की तरफ से प्लान लॉन्च किए गए हैं उसमें एक बहुत ही जबरदस्त खास बात है जो कि बाकी किसी भी कंपनी के द्वारा शायद ही दिया जाता है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि सिमेट्रिक स्पीड देखने को मिलेगा। मतलब यह हुआ कि अपलोड स्पीड जितना है उतना ही आपको डाउनलोड में भी स्पीड देखने को मिलने वाला है। अब इस बात से काफी ज्यादा अंतर हो जाता है आपके प्लान के ऊपर, क्योंकि अगर आप 399 रुपए का प्लान लेते हैं जो कि जियो का ब्रॉन्ज प्लान है, जिसके अंदर आपको 30 Mbps की स्पीड के साथ अनलिमिटेड इंटरनेट की सेवा दी जाती है, वहीं पे कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सेवा भी दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या इसके अंदर कोई फेयर यूजेज पॉलिसी है। जो आपको ब्रॉन्ज प्लान में पहले 100 GB दिया जाता था FUP के अंदर, अब यहां पे आपको लगाया जा रहा है कमर्शियल यूजेज पॉलिसी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जिसके अंदर आपको 3300 GB डेटा का कैप रहेगा। मतलब ये कि एक महीने के अंदर आप 3300 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हो 30 Mbps की स्पीड के ऊपर। लेकिन इसके बाद क्या स्पीड रहेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जियो की तरफ से, लेकिन ये कमर्शियल यूजेज पॉलिसी के तहत आपके डाटा को कैप किया जा रहा है। ब्रॉन्ज प्लान के बारे में बात करने के बाद चलते हैं जियो फाइबर के सिल्वर प्लान की तरफ, जहां पे 700 रुपए अगर आप पे करते हैं तो उसमें आपको मिलने वाला है 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड, और उस स्पीड के साथ यहां भी आप एक महीने में 3300 GB डाटा इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां भी आपको OTT प्लेटफॉर्म की कोई सी सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिल्वर के बाद गोल्ड प्लान की तरफ रुख करते हैं अपना, तो वहां पे आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा, और 1000 रुपए जैसे ही आप पे करते हैं आपको वहां भी अनलिमिटेड इंटरनेट स्पीड देखने को मिलने वाला है, जिसमें स्पीड जो इंटरनेट की रहेगी वो 150 Mbps की रहेगी। जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मामला मिल रहा था एक महीने का, वही इंटरनेट स्पीड आपको यहां पर मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको 11 OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन दिए जाएंगे जो कि 1000 रुपए के बराबर हैं, और इन OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप आराम से टीवी के ऊपर चीजों को देख सकते हैं, जिसमें आपका प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, जियो सिनेमा, G5, सोनी लीव, वूट, ऑल्ट बालाजी, सन नेक्स्ट, सिमरो, इसके साथ साथ दो और आपको OTT प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। गोल्ड के बाद चलते हैं डायमंड प्लान में, जहां पे आपको अगर 1500 रुपए पे करते हो तो वहां आपको 12 टोटल OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा दी जाती है, जहां पे आपको 300 Mbps का स्पीड दिया जाएगा। इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स की भी सुविधा दी जाती है, जहां पे आपको 1500 रुपए का टोटल मंथली एक तरीके से OTT प्लेटफॉर्म का बेनिफिट दिया जा रहा है। 500 रुपए सिर्फ नेटफ्लिक्स का मंथली चार्ज है अगर टीवी पे आप देखना चाहते हैं तो। डायमंड पैक के बारे में बात करने के बाद चलते हैं डायमंड प्लस की तरफ, जो कि पहले भी सेम तरीके का प्लान था, जिसके अंदर आपको दिया जाता था 500 Mbps का स्पीड, जिसमें आपको 4000 GB तक डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, 12 OTT प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा आपको कॉलिंग के लिए भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा आपको 3499 में प्लान दिया जा रहा है, प्लेटिनम प्लान, जहां पे 7500 GB डाटा का आपका कैप है, 1 Gbps की स्पीड रहेगी। इसके अलावा टाइटेनियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसका भी स्पीड 1 Gbps होने वाला है, 15000 GB तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी में आपको 1500 रुपए का OTT प्लेटफॉर्म का बेनिफिट वो दिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछे गए हैं आप लोगों से मैं बता दूं। सबसे पहला ये
कि क्या इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। मैं बता दूं आपको कि इन प्लान्स के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप 400 रुपए का प्लान लेते हो तो उस पे 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब कि 471 रुपए का आपका प्लान बनेगा। इसी तरीके से आपको 18% जीएसटी बाकी सारे जितने भी प्लान्स हैं उन पे लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस चूज करने के लिए दिए जाएंगे जब आप अपना एक महीने का ट्रायल ओवर कर लेते हो। तो ऑप्शन दो इस प्रकार से होने वाले हैं कि एक में आपको 2500 रुपए रिफंडेबल चार्ज किया जाएगा, दूसरे में आपको 1500 रुपए रिफंडेबल चार्ज किया जाएगा। जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर आपको 4K का जो आपका सेटअप बॉक्स है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन 1500 रुपए वाले में आपको 4K सेटअप बॉक्स नहीं दिया जाने वाला है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अगर आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के लाभ को उठाना है तो आपको 4K सेटअप बॉक्स को लेना ही पड़ेगा, मतलब कि 2500 रुपए रिफंडेबल चार्ज आपको एक बार पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक राउटर दिया जाएगा, उसके तहत आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको OTT की सुविधा नहीं दी जाएगी, मतलब कि 1000 रुपए का अंतर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लान जब भी आप बंद कराते हो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या कभी भी बंद कराते हो, तो आपके जो 2500 रुपए या 1500 रुपए लगते हैं आपको वो सेटअप बॉक्स के लिए या फिर राउटर के लिए, वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, मतलब कि कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। वैसे तो आपके घर में ये पहले ही लगा देंगे लाकर के, जो कि 4K सेटअप बॉक्स के साथ लगेगा, लेकिन जब आप प्लान चूज करोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। एक महीने तक आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाने वाला है, उस पीरियड में आपको 150 Mbps की स्पीड देखने को मिल सकती है, मतलब कि 1000 वाला जो प्लान है वो आपको देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स प्राइम के लिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको सेटअप बॉक्स के ऊपर इसको लॉगिन करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कहीं चला सकते हैं। ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लिए तो एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि बहुत लोगों ने 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में परचेज किया है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि 1 सितंबर 2020 से ये प्लान लागू होने वाले हैं, तो अगर आपने 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में कोई परचेज किया है जियो फाइबर, तो आपको भी एक महीने का ट्रायल ऑफर मिलने वाला है। मतलब यह है कि आपने अगर पेमेंट भी कर दिया है मंथली चार्जेस का, तो आगे एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी का पहले से जियो फाइबर लगा हुआ है तो उनके लिए भी सुविधा करने वाला है जियो, और उसके अंदर आपको जो प्लान चल रहा है उसी के हिसाब से आपको माइग्रेट कर दिया जाएगा बगल वाले अच्छे प्लान के अंदर, जिस प्लान में भी आप चाहते हैं। आपके पैसों को प्रो डाटा बेसिस पे चार्ज किया जाएगा और इस तरीके से आपको नए प्लान में आपको लेके आया जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से अब पूछे जा रहे हैं वो ये है कि जियो फाइबर जो है हमारे लोकेशन पे कब आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि जियो फाइबर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 1600 शहरों में जियो फाइबर आज की डेट में कार्यरत है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के बहुत सारे जगह पे आपको मिले, कुछ जगह पे आपको ना मिले, चेन्नई में आपके बहुत सारे जगह पे मिले लेकिन कुछ जगह पे आपको जियो फाइबर का कनेक्शन ना मिले। का उपाय ये है कि आपके सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, आपके एरियाज में जितने भी लोग रहते हैं, मिलजुल के ग्रुप बनाइए और लगभग 100-150 लोग मिलके एक साथ जियो फाइबर कंप्लेन कीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक बार आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ग्रुप बना के, तो आपके रजिस्ट्रेशन को देखते हुए जियो फाइबर वायर वहां पे डाल देगा। मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां के थ्रू आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर जियो फाइबर रजिस्ट्रेशन भी आप गूगल करेंगे तो पहला पेज उनका ही खुल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। कोई भी चार्ज जियो फाइबर आपको पहले नहीं करने के लिए बोलेगा, तो कभी भी पेमेंट मत कर दीजिएगा किसी भी लिंक पे जाके जब तक कि एग्जीक्यूटिव आपके घर तक नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी जहां जहां अवेलेबल है जियो फाइबर, वो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, वडोदरा, चेन्नई, नोएडा, गाजियाबाद, भुवनेश्वर, वाराणसी, इलाहाबाद, बेंगलुरु, सूरत, आगरा, मेरठ, विशाखापट्टनम, लखनऊ, जमशेदपुर, हरिद्वार, गया, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पंजाब और भी बहुत सारे छोटे मोटे शहर, 1600 टोटल शहर। तो आपका टीयर 2 और टीयर 3 सिटी पड़ता है, तो आप निश्चिंत रहिए आने वाले 6 महीने के अंदर जियो फाइबर आपके घर तक आ जाएगा। पहले 1 साल जियो फाइबर की तरफ से ट्रायल बेसिस पे काम किया जा रहा था, इसीलिए रेट भी हाई रखे गए थे कि कम लोग आए, और कम लोग जब आएंगे तो उनका ये होगा कि टेस्टिंग का फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिलियन तब भी आज रेट में जियो फाइबर के सब्सक्राइबर हैं, और आकाश अंबानी के द्वारा बोला गया है कि वो पूरे इंडिया के अंदर इसको फैलाना चाहते हैं। लेकिन जियो फाइबर इतने ही ऑफर दे के आपको छोड़ता नहीं है, और भी ऑफर आपको दे रहा है जियो फाइबर के इस प्लान के साथ साथ, जहां पे आपको इंटरटेनमेंट का साधन दिया जाएगा, जिसके अंदर आप बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कंटेंट डिस्कवरी है वो काफी आसान रहेगा इसमें, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन जियो मीट वगैरह तरीके के दिए जाएंगे, हेल्थ भी चेकअप करा सकते हो घर के अंदर भी ऑनलाइन, उसके साथ साथ एजुकेशन एट होम भी आप कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात जो कि बहुत लोगों के द्वारा पूछा जाता है, गेम्स खेलने के लिए क्या हिसाब किताब है, तो गेम खेलने के लिए भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अंदर दिए जाएंगे।
तो जियो फाइबर का प्लान आपको अगर पूरा समझ में आ गया तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी मित्र हैं उनके साथ, और साथ ही साथ छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं आपके जानने वाले वहां पे, क्योंकि उन तक ये बात पहुंचे और उनको मालूम चले और वो एक बार रजिस्ट्रेशन करें कि उनके पास जियो फाइबर का इंटरनेट स्पीड आए। आज की डेट में इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, डेटा महंगा होते जा रहा है, तो जियो फाइबर की तरफ से ये कदम जबरदस्त तरीके का होगा और ब्रॉडबैंड लगाने के बाद इंटरनेट यूज करने का जो तरीका होता है बिल्कुल बदल जाता है। तो आप लोग प्लीज इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए, जहां जहां शेयर कर सकते हैं कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल की, आने वाले टाइम के अंदर और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन जियो फाइबर से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तकनीकी सार इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, आपका 100% रिप्लाई वहां मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।